अनुष्का, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी। आज हम प्याज काटेंगे, टमाटर काटेंगे, पानी बनाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हमारा वीडियो जरूर देखिए। तो ये बाजार में इस तरह के गोलगप्पे मिल जाते हैं, ये ला लीजिए। इसी के साथ मसाला भी मिल जाता है जिससे हम पानी बना सकते हैं। तो ये हमने बहुत ठंडे चिल्ड पानी में इसका मसाला घोल के बना लिया है पानी। इसके साथ हमने आलू भी बॉईल कर लिए हैं। तो इन आलू को हम मैश करते हैं। ये लीजिए, आलू मैश हो गए हैं सारे। तो इस आलू में मिलाने के लिए हमने बहुत बारीक काट के रखा है हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया बहुत बारीक काट लेंगे। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक और मिला लेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो मैंने ना सिर्फ इसीलिए बनाया है कि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकूं और कुछ नहीं। आज कोई गोलगप्पे बनाना खाना तो हर किसी को आता है, पर बस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप बताइए तो मुझे कुछ समझ में आएगा, है ना। आप कमेंट कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो अब हम इसमें आलू मिला लिया है, इसके बाद हमने ये जो प्याज टमाटर वगैरह इसे मिला लिया है। और अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद है तो आप एवरेस्ट का चाट मसाला भी आप इसमें मिला सकते हैं, इससे बहुत ही टेस्टी सा स्वाद आता है। ठीक है, तो अब हम इसे मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये इसलिए बनाया कि मैं जो थोड़ा बहुत कुकिंग करती हूँ इसे रिकॉर्ड कर लूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना ना आता था ना अभी आता है, फिर भी जो कुछ आता है वो आपसे मैं शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर बताइए, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो ये हमने मसाला भर दिया है, सारे जो है पूरियों में मसाला भर दिया। और ये पानी हमने बनाकर चिल्ड ठंडे पानी से बनाया, तो गर्मी के दिन में तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगा है। तो ये पानी बना लीजिए और हम पूरियों में सब पानी भर लेंगे और अब हम ये यम्मी पानी पूरी खाएंगे जो शायद हर एक को पसंद है। वाओ, आप भी आइए और हमारे साथ पानी पूरी का मजा लीजिए।